हेलो दोस्तों, दिस इज एम कुमार फ्रॉम केपीएस, दैट इज नो फोटोशॉप। वंस अगेन मैं आपका स्वागत करता हूं आपके इस ब्रांड न्यू एपिसोड में, जो कि कुछ हाँ सर, इस बार डोंट वरी, आज कुछ हम कुछ नया करने वाले हैं। इट्स डेफिनेटली वेरी फनी, लिटिल बिट फनी, डोंट माइंड, बट कुछ हम लोग नया करने वाले हैं जो कि आपको थोड़ा हंसा सकता है दोस्तों। और वो चीज़ क्या है हम लोग बिल्कुल थोड़ी देर में देख लेंगे हम लोग। और ये एक्चुअली क्या है कि हमारे एक व्यूअर ने इस चीज़ की डिमांड किया था कि कुछ इस तरह के वीडियो बनाए जाए जो कि कुछ इंटरेस्टिंग हो, कुछ मज़ेदार हो, कुछ फनी हो। तो फिर हम लोगों ने इस चीज़ को कोशिश किया है कि कुछ सॉरी फॉर दैट, कुछ नया किया जाए, कुछ फनी किया जाए, ठीक है। तो आज हम लोगों ने कुछ एक ऐसा एडिटिंग कंसेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे जो कि थोड़ा सा हटके होगा, थोड़ा सा फनी होगा, कुछ मज़ेदार होगा। हम लोग आज एक खास चैप्टर पर चर्चा करने वाले जो कि है एक सीधे साधे आदमी को हेयरलेस कैसे बनाया जाए, ठीक है दोस्तों, मतलब गंजा कैसे बनाया जाए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर एक पेज लेते हैं, ठीक है। उस पेज में हम लोग कुछ सेकेंड आपका कुछ है। ये हम लोग ओके दोस्तों, तो हम लोगों ने पेज रेडी कर लिया है। हमारे पास यहाँ पर दो इमेज हमारी स्क्रीन पर रखी हुई हैं। ये रहा आपका दो इमेज। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हम लोगों ने कुछ ये कंसेप्ट सोचा है अपनों के लिए। अब वो कैसे बनेगा उसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखें। हम लोग आज कुछ इसी कंसेप्ट पर काम करने वाले, किसी भी हेयर, किसी भी एक जो बंदा है जिसके सर पे हेयर है उसको हेयरलेस कैसे बनाया जाए, ठीक है। तो हम लोग इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, टॉपिक शुरू करने के पहले आपको रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हम लोग आपको ट्यूटोरियल्स बहुत मेहनत से बनाते हैं, तो दोस्तों इसके लिए हमारे पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये हमको मोटिवेट करता है, प्रमोट करता है, ताकि हम लोग आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट को प्रोवाइड कर सकें, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर बैक टू द स्क्रीन। ये रहा हमारा दो कंटेंट पड़ा हुआ हमारे पेज पर। चलिए हम लोग इस फोटो को हम लोग हेयरलेस बनाने वाले हैं, ठीक है। तो दो इमेज आप जो भी आपका रिक्वायर्ड साइज है उस साइज में ले लीजिए। इसके बाद ये रहा आपका, इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, इस तरह से डिलीट कर दीजिए। आपका ये इमेज रेडी हो गया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसके जो इसका जो हेड पोर्शन है इसको हम लोग ट्रिम कर लेते हैं, ठीक है, लाइक दिस। यहाँ से हमने इसको ट्रिम कर लिया। यहाँ पर आप सिर्फ पेन को ही इस्तेमाल कर सकते हैं डेफिनेटली, और कोई बहुत इट्स नॉट अ टफ वर्क एक्चुअली। क्या है कि यहाँ पर आप चीज़ों को बहुत इजी तरीके से इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका मैंने डिलीट कर दिया, कंट्रोल एंटर किया मैंने, बस मैंने जस्ट डिलीट किया। इसका हेड मेरे पास में आ चुका है, ठीक है। चले आइए आप यहाँ इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए, ठीक है। इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं, छोटा कर लीजिए,
इसके बाद इसको इस तरह से फिट करने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये रहा आपका, इसको हम लोग कंट्रोल प्लस करके जूम कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। इसके बाद इसका जो है हेड का जो कलर है इसको हम लोग मैच करने की कोशिश करते हैं। इमेज एडजस्टमेंट सिलेक्टिव कलर, यहाँ से आप कलर को मैच करेंगे। यहाँ पर देखिए साइन मैजेंटा येलो ब्लैक है, देखिए इसको कम बेसी करके हम लोग कोशिश करते हैं मैच करने की, लाइक दिस। नेचुरल कलर को देखते हैं हम लोग, मैजेंटा साइन, इसके बाद ब्लैक को लेते हैं तो लाइक दिस, ठीक है। चलिए अभी तक हम लोग इसी पोजीशन तक रखते हैं, ठीक है। अब हम इरेजर टूल लेते हैं। अच्छा, फॉर रिजर्व के लिए हम इसको एक डुप्लीकेट लेयर ले लेते हैं, ठीक है। इसको हम बंद कर लेते हैं। इसके बाद ये हम लोग इरेजर टूल लेते हैं, इसको हम यहाँ से इस तरह से हम लोग हल्का सा इरेज करते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने इस तरह से इरेज कर लिया। अब इसके पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसके हेयर्स दिख रहे हैं, ठीक है। इसको हम इस तरह से पकड़ के स्टम्प टूल लेते हैं। इसके बाद यहाँ से कंट्रोल माइनस करके हम इसको यहाँ से कलर पिक करते हैं। इसके बाद इस पर हम इस तरह से हम लोग इसको फिल कर देते हैं, ठीक है। इट्स वेरी इजी, मैं आई डोंट थिंक कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगा इससे, ठीक है। ये हमने काम कर दिया यहाँ से इस तरह से, ठीक है। इसके यहाँ से कलर पिक करिए, इसको यहाँ से इस तरह मैंने कर लिया। इसके बाद आप देखिएगा कि यहाँ पर कुछ इस तरह के पोजीशन है जो कि अपने को मैनेज करना है, ठीक है। ये आप इसको कंट्रोल टी करके वैप कर सकते हैं, राइट। ये हमने किया, इस तरह से रैप कर लिया, इसको हमने ये बढ़ाया। इसके बाद ये रहा आपका लाइक दिस, ठीक है। ये हमने ओके कर दिया। अच्छा, अब आप ये जो इसके हेयर पोर्शंस हैं आप यहां से क्लोन टूल लेकर के इस इमेज को सिलेक्ट कर लिया हमने। इसके बाद यहां से हम यहां से इसको इरेज कर देते हैं। ये यहां से ये पकड़ा, इसके बाद ये रहा आपका, इसके बाद यहां से इसको इस हेड पोर्शन को बंद कर दीजिए। इसके बाद यहां से ऐसे ऐसे ऐसे, अब देखिए इसको अगर आप बंद करते हैं तो क्या कैलकुलेशन मिलता है। इसके बाद यहां से ये रहा आपका, इस तरह से सीरीज हमने कर लिया। इसके बाद ये रहा आपका, उसके बाद ये रहा आपका। इसके बाद यहाँ से इसको उठाइए इस तरह से, ये आपका जो गॉगल का जो बॉडी है उसको थोड़ा सा बचा कर रखना है, ठीक है। ये रहा मैंने आपको ऑलमोस्ट इस तरह से हमने कर लिया है, ठीक है। सर थोड़ा लंबा लग रहा है, इसको फिट करते हैं लाइक दिस। अब थोड़ा सा पोजीशन में आ गया है, हल्का सा बड़ा कर दीजिए, ठीक है। अभी भी आपको कलर मैच करना है इसके साथ,
यहाँ से कंट्रोल टी करके कुछ स्क्यू कर सकते हैं आप, या फिर रैप कर सकते हैं। आपको रैप वगैरह जो है आपको हम लोग इसके पहले क्लास में बता चुके हैं इस तरह से, ठीक है। ये आप इसको राइट क्लिक, इसके बाद ये इसको पुश किया हमने अंदर, ये रहा आपका, ठीक है, ये रहा आपका ऑलमोस्ट हमने डन कर दिया। ऊपर से उसके हेयर्स कुछ दिख रहे हैं, यहाँ से हम स्टंप टूल लेते हैं, स्टंप टूल लेकर के इसको, ये रहा आपका लेयर, इसको इस तरह से इसको इरेज करिए, आपका ये रहा आपका कंट्रोल जेड, इसको लाइक दिस, ठीक है, ये रहा आपका। अब इसके हेड को आपको जस्ट कलर मैच करना है, कलर मैच कर लीजिए आपको सिलेक्टिव कलर, रेड, काफी कुछ हम लोग मैच कर चुके हैं यहां पर लाइक दिस। हाँ दोस्तों, तो इसीलिए हम मेरी थोड़ी सी स्माइल वहाँ पर थी आपके साथ में, बट डोंट फॉरगेट कि हम लोग ये जस्ट एक आर्टिस्टिक वर्क है जो कि हम लोग करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दो ऑप्शंस होते हैं एक्चुअली, क्या होता है कि हम मास्किंग करके भी कर सकते हैं, बट मैंने एक सिंपल सा ये तरीका आप लोगों को बताया कि आप कुछ भी किसी चीज़ को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे जो फोटोशॉप आर्टवर्क होते हैं ना, तो उसमें आप देखेंगे पेज ऑलरेडी यूट्यूब वगैरह पर बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं, बट उनके जो जो प्रैक्टिस होता है ना, कुछ ऐसे टफ टाइप के होते हैं ना जो कि हर कोई इजी समझ नहीं पाता है। तो मैंने ये जो टेक्निक इस्तेमाल किया है ताकि हर कोई ईजिली इसके ऊपर फिट कर सके, और मैंने आपको बताया कि यहाँ पर रैप इस्तेमाल कर सकते हैं एंड स्क्यू कर सकते हैं, डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, छोटा बड़ा करके आप इमेज के ऊपर में अपने ऑब्जेक्ट को फिट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही हमने अभी तक की जो कोशिश किया है उस कोशिश में हम काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं। अब ये देखिए आपका ऑलमोस्ट ओ रियली डन हो चुका है आपका, यस इट्स वेरी गुड, रियली ये भी यार। चलिए तो हम लोगों ने यहाँ पर काफ़ी कर लिया कुछ काम, कुछ एक पॉइंट्स बचे हुए हैं, इसके साथ हम लोग थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर देते हैं। चलिए स्टंप टूल पर क्लिक कर लिया हमने, साइज ब्रैकेट से छोटा कर लिया हमने, इसके बाद यहाँ से हम इसको कलर पिक करते हैं, इसके बाद यो इस तरह से हम लोगों ने इसको इस्तेमाल किया, ठीक है। ये रहा आपका गूगल का, ये हो गया आपका, इसके बाद ये आपका इसके कान को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम लोग, इसको पकड़ के आप इसको इधर ला दीजिए, ठीक है। इसको हल्का सा इरेज कर सकते हैं आप लाइक दिस, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए कि हम लोगों ने ये काम कितने आसानी से किया है, ठीक है। जस्ट आई वांट टू शो यू द difference between all these two images actually. ये रहा आपका फर्स्ट इमेज, इट्स रियली वेरी फनी, ओके। तो दोस्तों हम लोगों ने एक
विद इन 5 to 10 मिनट हम लोगों ने एक हेयर वाले बंदे के साथ में हम लोग ये मजाक किया, छेड़छाड़ किया फोटोशॉप के जरिए, ठीक है। तो हम लोगों ने एक हेयर फुल आदमी के साथ हमने इस तरह का छोटी सी एक्टिविटी करके, क्रिएटिविटी करके हम लोगों ने एक इमेज क्रिएट किया है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप अपने जो फोटोशॉप के जो हुनर हैं उससे आप किसी भी इमेज के साथ इस तरह के छोटे मोटे करेक्शन कर सकते हैं। और यही नहीं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं फोटोशॉप में, बस ज़रूरत है आपको फोटोशॉप के नॉलेज की, जो कि हम लोग हमेशा एक कोशिश हमारी ये रहती है कि हम लोग चीज़ों को बेहतर तरीके से आपके सामने पेश कर सकें। तो दोस्तों ये रहा आपका आज का सबसे इंटरेस्टिंग और फनी चैप्टर, जो कि कई लोगों ने मुझसे डिमांड किया था कि इस तरह से हम लोग कुछ ऐसे ट्यूटोरियल्स को बनाए जो कि थोड़ा सा फनी है, हो फनी वे में हो, जो कि थोड़ा लोगों को गुदगुदा सके या फिर हंसा सके, ठीक है। तो हम लोग इस तरह के ट्यूटोरियल्स हमेशा बनाते रहेंगे, बट आई जस्ट वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू कि डोंट फॉरगेट टू आर सब्सक्राइब आर चैनल, बिकॉज आज यू नो कि हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं, तो बेहतर है कि हमारी इस रिक्वेस्ट को रखा जाए और हम लोग बेहतर से बेहतर आपके पास ट्यूटोरियल्स लेते आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो फिर आज के लिए इतना ही कुछ, अगले क्लास के लिए वेट करिए, तब तक लिए धन्यवाद, नमस्कार।